हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्टडी करने वाले हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है बच्चों। आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ओके तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हम साइन 2x को पहले लिखते हैं, फिर साइन 3x और इंटू हम लिख देते हैं साइन x। ओके यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग साइन x साइन 2x को रहने देंगे और यहाँ पे 1 अपॉन 2 और लिख देंगे 2 साइन 3x इंटू साइन x। ओके यहाँ पर dx हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 1 अपॉन 2 को बाहर करेंगे, ये साइन 2x होगा। और यहाँ पर देखो बच्चों, फॉर्मूला आपने शायद याद रखा होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी जो होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी और माइनस होता है कॉस ए प्लस बी। ओके एक और फॉर्मूला आप यहां पे याद रखो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी जब रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहां पे एक चीज ध्यान देने का कि माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी भी कभी कभी फॉर्मूला में रहता है। तो जब माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी रहता है तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए प्लस ए माइनस बी। ओके तो यहां पर देखो बच्चों, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्लस वाला ही, तो हम क्या करेंगे कॉस ए माइनस बी। तो ध्यान देंगे कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 3x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स। ओके और यहां पर dx होगा। मैं फार्मूला को इरेज कर दे रहा हूं। ध्यान देंगे यहां पर 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा साइन 2x और ये हो जाएगा कॉस 2x और ये कॉस 4x। ओके अब देखो क्या करते हैं, यहां पर 1 अपॉन 2 यहां पे साइन 2x इंटू कॉस 2x मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस साइन 2x इंटू कॉस 4x हो जाएगा। ओके अब इसे क्या करो, सेपरेट कर लो। तो 1 अपॉन 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन 2x इंटू, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। ध्यान देंगे यहां पे फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 और अंदर में फिर से कर देते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। यहां पे भी फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 फिर से 1 अपॉन 2 लिए क्योंकि हम अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कॉस 4x इंटू साइन 2x dx होगा। ओके बच्चों अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यहां पर साइन 2 और थीटा की जगह 2x है तो 2x dx हो जाएगा। ये देखो 1 अपॉन 4 यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला जब आए 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला आप याद रखना साइन ए प्लस बी और माइनस हो जाएगा बट साइन ए माइनस बी। ओके तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, साइन पहले तो ये पूरा लिख डालो 2 कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। फिर देखो यहां पर 1 बाय 4 साइन 4x हो जाएगा dx माइनस 1 बाय 4 और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूला पे तोड़ दो तो साइन 4x प्लस 2x माइनस साइन 4x माइनस 2x। ओके ये dx हो जाएगा। फिर देखिए इस फॉर्मूला को मैं इरेज कर रहा हूं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 बाय 4 साइन का इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों माइनस कॉस होता है और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है। फिर देखो 1 अपॉन 4 यहाँ पर आप क्या लिखोगे साइन 6x और माइनस हो जाएगा बच्चों साइन 2x dx। अब इसे आप सेपरेट कर सकते हो, ये तो माइनस 1 अपॉन 16 कॉस 4x होगा, इसे 1 बाय 4 लिखो यहाँ पे साइन 6x dx हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 साइन 2x dx होगा। ओके फिर देखो यहां पर माइनस 1 बाय 16 कॉस 4x
और ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर माइनस कॉस सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स, और ये प्लस वन बाय फोर ये माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाय सिक्सटीन कॉस फोर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस वन बाय ट्वेंटी फोर कॉस सिक्स एक्स और माइनस वन अपॉन एट कॉस टू एक्स, और इंटीग्रल कॉन्स्टेंट हम सी को एड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स नोट कीजिए, वैसे मिटा रहा हूं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। ध्यान देंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन कैसे बनाएंगे। आई इज इक्वल टू साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स डीएक्स, तो इसे आप क्या करो वन अपॉन टू, फिर से टू से गुना टू से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन एट एक्स को पहले लिख देते हैं इंटू साइन फोर एक्स डीएक्स। देखो अभी फिर ये फार्मूला पे आ गया, टू साइन ए इंटू साइन बी तो कॉस ए माइनस बी, तो एट एक्स माइनस फोर एक्स, और माइनस हो जाएगा बच्चों कॉस ए प्लस बी तो एट एक्स प्लस फोर एक्स। ये हो गया डीएक्स, तो इसे वन बाय टू, ये कॉस फोर एक्स हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा कॉस ट्वेल्व एक्स डीएक्स। अब इसे आप सेपरेट कर सकते हो, वन अपॉन टू कॉस फोर एक्स डीएक्स, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू कॉस ट्वेल्व एक्स डीएक्स। तो देखो ये वन अपॉन टू कॉस फोर का साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय फोर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट फोर है, और ये हो जाएगा साइन ट्वेल्व एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व। तो आप इसे लिख सकते हो वन अपॉन एट साइन फोर एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन फोर्टी एट साइन ट्वेल्व एक्स, और इंटीग्रल कॉन्स्टेंट आप सी को एड कर देंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।